हमने सीखा, स्रोत के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में क्रमशः संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दो क्रमागत संपीड़न तथा विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि की चाल इज इक्वल टू आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। मानव में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होता है। श्रव्यता परास से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य तथा अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। इसे चिकित्सा तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। मुख्य बिंदु की वर्ड्स विक्षोभ, डिस्टर्बेंस, तरंग, वेव, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, श्रव्यता परास, हियरिंग रेंज, आयाम, एम्पलीट्यूड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, संपीड़न, कंप्रेशन, विरलन, रेयरफैक्शन।